जम्मू डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन द्वारा एक चैंपियनशिप करवाई जा रही है, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं इनसे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अंक बैठ पे। थैंक यू वेरी मच। सर जिस तरह से आज चैंपियनशिप करवाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये चैंपियनशिप जम्मू डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं यहाँ पर स्पेशल इन्वाइटी हूँ क्योंकि मैं नेशनल फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ और स्टेट एसोसिएशन में भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये ग्राउंड लेवल है जहाँ पे कि हम टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं और जो एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर जो फॉलो किए जाते हैं, वो हम इस ग्राउंड लेवल पर लाकर बच्चों को करवाते हैं ताकि वो उस लेवल को यहाँ पर बच्चों को पता चले। आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा था किसी मीडिया पर्सन से कि यहाँ पर बच्चे जो हैं उनको इक्विपमेंट्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, सेफ्टी गार्ड्स के बारे में पता नहीं है। कराटे सीखते हैं लेकिन जो बेसिक फंडे हैं वो बच्चों को क्लियर नहीं होते। तो हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो ऐसे सभी स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस को बुलाते हैं ताकि वो बच्चे यहाँ पर आएँ और हम इन ये सारी चीज़ों से उनको अवगत कर सकें, उनको इसके बारे में अवेयर करवा सकें। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जम्मू डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन का, जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है। 300 से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे क्वालिफाइड रेफरीज जजेस जो हैं इसको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैठकर जजेस बन गया है, रेफरी बन गया है। इसमें जो हमारे क्वालिफाइड हैं नेशनल फेडरेशन से, वही लोगों को हमने यहाँ पर परमिशन दिया है कि वो रेफरी जजेस बने। जितनी भी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होती है कितनी यूजफुल रहती है आज के यूथ के लिए, खासकर टीनएजर्स के लिए? देखिए, आज ये बच्चे अगर इस टूर्नामेंट में नहीं होते तो शायद घर में बैठ के टीवी देख रहे होते। तो ये यहाँ पर हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट, कोई भी इवेंट होता है, और स्पोर्ट्स दो तीन चीज़ें बच्चे के अंदर क्रिएट करती है। एक उसके अंदर पेशेंस क्रिएट करती है, एक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करती है। मेडल जीतना नहीं जीतना वो अलग बात है, लेकिन बच्चा जब इन्वॉल्व होता है किसी स्पोर्ट्स के अंदर तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल अलग होता है बाकी अदर नॉन स्पोर्ट्स पर्सन से। और आपने देखा होगा कि पेशेंस की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स करने वाला बच्चा होता है उसके अंदर पेशेंस बहुत होता है क्योंकि वो पहले अपनी बारी का इंतज़ार करता है। पूरा दिन बच्चा यहाँ बैठता है, 2 मिनट का उसका मैच होता है सिर्फ, कितनी पेशेंस है उसके अंदर वेट करना। उसके बाद जब वो मैच खेलता है तो वो पेशेंस के साथ उसको खेलता है, फिर जब हार जाता है फिर एक पेशेंस रखता है कि मैं अगली बार जीतूंगा। तो ये आपने देखा होगा जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि 10th में जिसके 98% नंबर आए थे, 12th में उसके नंबर कम हो गए तो उसने सुसाइड कर ली। लेकिन कभी स्पोर्ट्समैन के बारे में नहीं सुना होगा कि उसने कभी ज़िंदगी में सुसाइड किया। ये चीज़ जो है स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर ही आ सकती है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हर बच्चा स्पोर्ट्स करे और ये सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर पैदा हों, एक हेल्दी सोसाइटी हो। हेल्दी सोसाइटी होने से क्या है, एक हेल्दी सिटी बनता है, हेल्दी शहर बनता है, हेल्दी कंट्री बनती है और एक विजनरी बच्चे जो हैं वो बनते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के माध्यम से वो इंटरनेशनल लेवल पर जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो है वो अपने समाज के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े के इतनी जानकारी देने के लिए। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा चैंपियनशिप कराई जा रही है और आप देख सकते हैं बच्चों ने किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा चाकूर, यंग बाइट्स जम्मू।